सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक रोड ट्रिप पे निकले हैं और आज हम लोग जा रहे हैं चंडूबी में, जो कि गुवाहाटी से 70-80 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और हम लोग हाईवे होके भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग हाईवे से घुस के एक दीपोर बिल के रास्ते से होके जा रहे हैं। दीपोर बिल भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे वीकेंड्स में लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं दीपोर बिल में ही हूँ, जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं जो लेक है, ये एक्चुअली दीपोर बिल एक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पे भी लोग चिल करने के लिए आते हैं और थोड़ा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग यहाँ पे जस्ट एक पी स्टॉप लिए हैं और अभी हम लोग निकल लेंगे चांडूबी की, और अभी कम से कम और 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है। सो लेट्स गो। बीच रास्ते पे हैं अभी। चंडूबी जो लेक है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 8-10 किलोमीटर होगा। और अभी हम लोग एक बर्दवार रिज़र्व फॉरेस्ट में हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने एंट्री मारा तो यहाँ पे बहुत सीनिक व्यू है। इस फॉरेस्ट में क्या है कि आप लोग फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं, कि थोड़ा पहाड़ी भी है और पहाड़ के बीच में इतने लंबे लंबे पेड़। आई जस्ट वंडरिंग कि इतना खूबसूरत सा जगह में हम लोग मतलब क्यों ना रुके। इट वॉज ए मस्ट पी स्टॉप फॉर अस, एंड कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। सो देखते हैं दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अभी तो डायरेक्ट स्पॉट पे जाएंगे। सो लेट्स सी। तो ये चांडूबी का एंट्री पॉइंट है, और लेफ़्ट साइड जाने से आप लोगों को लॉज मिलेगा और राइट साइड से आप लोगों को जाना है अगर पिकनिक स्पॉट में जाना है तो। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं चांडूबी में और यहाँ पे कुछ पिकनिक हो रहा है, क्योंकि अभी ये पिकनिक का टाइम है। तो पार्किंग का तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। तो लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पे खूब सारे स्टॉल्स लगे पड़े हैं, जो जहाँ पे लोकल फूड और कुछ लोकल आइटम्स ही लोग बेच रहे हैं, और जो जनरल आइटम्स हैं जो आपको बाहर में मिल जाता है, जैसे कि वो जर्दा सुट्टा वगैरह, ये सब यहाँ पे थोड़ा महंगा है क्योंकि ये थोड़ा रिमोट एरिया है। बाकी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि चिकन वकन का ये सब ये लोगों ने रोस्टेड करके रखा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो दोस्तों अभी एक स्टॉल में हम लोग बैठे हैं
चाय पी रहे हैं और पीठा ले, चाय के साथ हम लोग पीठा खा रहे हैं। सो ये यहाँ का लोकल फूड है जिसको थेकली पीठा बोलते हैं, है कि नहीं? थेकली मुखड़िया पीठा। अच्छा अच्छा, जो भी है। और साथ में थोड़ा अंडा ले लिया है, ये देखिए अंडा। दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत आज तो बहुत धूप है यहाँ पे। धूप उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मी लग रहा है, तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे। चिल के बारे में कुछ बोल देता हूँ आप लोगों को। ये जो है एरिया है, ये राभा हसंग बोल के एक डिस्ट्रिक्ट में है और गुवाहाटी से, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है ये और लगभग 1.5 घंटा लगता है अगर आप लोगों को जाम ट्रैफिक जाम ज़्यादा ना मिले। और ये जो लेक है चांडुबी लेक, ये फॉर्म हुआ था 1897 में एक अर्थक्वेक और टेक्टोनिक प्लेट्स का जो ये कैटास्ट्रोफी इवेंट हुआ था उसके कारण ये लेक फॉर्म हुआ था। और उसके बाद से अभी तक ये लेक है अभी। और इस ये जो अभी तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं और आसपास के एरिया से आते हैं। सो ये इतना ही था इस जगह के बारे में जो हिस्ट्री है इसका। बाकी आप लोगों को तो पता ही है, लोग आते हैं ये सब जगह में थोड़ा पिकनिक करने। सो दोस्तों फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस और अच्छा लगा ये जगह घूम के। आप लोग भी ज़रूर आइए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप लोग गुवाहाटी में हैं। सो निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं रास्ते में भी कुछ और स्पॉट्स आते टाइम देखा था वहाँ पे, थोड़ा रुकेंगे फिर हम लोग घर चले जाएंगे। सो बाय बाय। सो दोस्तों अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं, ये शायद कोई कभी ढाबा हुआ करता था, अभी तो बंद है मुझे ऐसा लग रहा है। और ये है एक चांगघर, यहाँ से लोग यूजुअली जो वाइल्ड एलिफेंट्स है वो लोग को ऑब्ज़र्व करते हैं और पहले से अलर्ट कर देते हैं लोगों को ताकि कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है जैसे आप लोग देख सकते हैं और बहुत फोटोजेनिक एरिया भी है, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो रुकते हैं कुछ देर और फिर चले जाएंगे यहाँ से। हवा में आए हैं जो हाईवे के बिल्कुल बगल में है, बहुत भूख लग रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो लेट्स गो। सो आफ्टर हैविंग सम फाइन फूड ऑफ असमिस क्यूजिन वी जस्ट मूव टू आवर होम। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग सम मोर एक्सपीरियंसेस एंड यू कुड एक्सप्लोर विद मी। सो बाय बाय।